बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनावी आम सभा का विवल संघनाथ कर दिया है। उन्होंने आज दोपहर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा दमोह पहुंचकर सीधे तहसील वन पहुंचकर चुनावी आम सभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने आम सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेकर जनता से पूछा कि क्या मेक इन इंडिया जैसे वादे मोदी जी ने पूरे किए, क्या आप लोगों के खाते में 15 लाख रुपए की राशि आई है। वहीं पूरी सभा के दौरान कांग्रेसियों में एकजुटता की कमी नजर आई। भारी भीड़ व पुलिस वालों को गेट पर भारी मशक्कत का सामना भी करना पड़ा। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। हमारे दमोह के प्रभारी मंत्री हेलो जिले के प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी जी लखन गंगोरिया जी मंत्रिमंडल में मेरे साथ ही मंत्रिमंडल में मेरे साथ ही हर्ष यादव जी रामकृष्ण कुशमरिया जी हमारे विधायक राहुल लोधी जी प्रदुमन जी हमारे विधायक श्री अजय टंडन जी प्रभु सिंह जी नारायण प्रजापति जी प्रताप सिंह जी सभी यहाँ कांग्रेस के मेरे साथीगण नेतागण आदरणीय नारे लगा रहे हैं। ये आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि इन बच्चों के भविष्य का क्या होए। आज जिस प्रकार का मध्य प्रदेश जिस प्रकार का मध्य प्रदेश 25 दिसंबर को हमें सौंपा गया, 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा। किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, खजाना खाली, ये मध्य प्रदेश उन्होंने हमें 25 दिसंबर को सौंपा था। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं है। हमने वचन दिया था कि हम मध्य प्रदेश में विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे और लगभग इस 80 दिनों में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमारे नौजवान जो आज इतने जिनमें इतना जोश है, इनके भविष्य का क्या होगा। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, इन नौजवानों की दुनिया कुछ और है। इनके आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका और अपने हाथों को काम चाहता है। और आज का भटकता हुआ नौजवान जो मध्य प्रदेश का में भविष्य में निर्माण करेगा, आज का नौजवान जो भटक रहा है, इसकी क्या तड़प है, इसकी क्या आशाएं हैं। आज के नौजवानों में ये तड़प है कि उसके हाथों को काम मिले, पर ये रोजगार के नए मौके कैसे बनेंगे। तभी बनेंगे अगर निवेश आए, पर मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं। निवेश तो तब आता है जब विश्वास होता है, और मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं था, कोई निवेश नहीं आया, दिखते उद्योग लगते नहीं थे मध्य प्रदेश में, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो जाते थे। और आपको मोदी जी के नारे याद है, मोदी जी के 5 साल पहले के नारे याद है, मेक इन इंडिया याद है, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, तरह तरह के नारे दिए थे मोदी जी ने। कोई यहाँ स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया वाला है। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है ये 2 करोड़। उसमें से दमों के मुझे 5-10 नाम तो बता दीजिए जिनको रोजगार मिला हुआ। ये कलाकारी की राजनीति, ये गुमराह करने की राजनीति। कौन से नारे इन्होंने नहीं दिए, कौन से नारे इन्होंने नहीं दिए। किसानों की बात करें, किसान का जन्म कर्जे में होता है, किसान की मृत्यु कर्जे में होती है। हमने वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम वचनबद्ध हैं। अभी तक लगभग 24 लाख किसानों
के कर्जे की प्रक्रिया पूरी हुई है और 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। 2 दिन पहले आचार संहिता लगी तो कुछ रोक रुकावट है, पर मैं मध्य प्रदेश के हर किसान को वचन देता हूं, जो वचन हमने दिया था कि हम अपने कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएंगे, कि जो हमने कहा था कि 2 लाख तक हर किसान का कर्जा माफ होगा, हम वचनबद्ध हैं। और मैं इसे दोहराना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार होगा आपको गुमराह करने का। 15 साल जो आपको गुमराह करते रहे, अब फिर से मैदान में आएंगे। मैं और भी कहना चाहता हूं कि धान होए उड़द होए, किसानों को पूरी राशि मिलेगी धान की और उड़द की। ये गलत प्रचार जो हो रहा है, आज व्यवस्था ठप है। 80 दिनों में जो संभव हुआ हमने किया, पर एक नई व्यवस्था की आवश्यकता है। और हमने वचन दिया था कि हम एक नए नजरिए से, एक नए दृष्टिकोण से अपने कृषि क्षेत्र को के लिए कदम उठाएंगे। मध्य प्रदेश में 70% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनकी रोजी रोटी कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। जिसके किराने की दुकान है गांव में, उसकी दुकान चलती है जब किसान के पास खरीदने की ताकत हो। हमारा जो छोटे बाजार है, तहसील में बाजार है, ब्लॉक में बाजार है, ये बाजार तो तब चलते हैं जब किसानों के पास खरीदने की ताकत हो। और आज चुनौती है कि ये बढ़ता हुआ उत्पादन जो किसानों का है, इसमें उनको सही मूल्य कैसा मिले। पहले तो चुनौती थी कम उत्पादन की, आज चुनौती है ये बढ़ते हुए उत्पादन की। और मैं हर किसान को, मध्य प्रदेश के हर किसान को आश्वासन देना चाहता हूं, वचन देना चाहता हूं, आपके साथ पूरा न्याय होगा। हम अपने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएंगे। मैं तो आज आपसे एक ही बात संक्षेप में कहना चाहता हूं। तस्वीर आपके सामने, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 5 साल मोदी जी की सरकार, फिर से अब लोकसभा चुनाव हमारे सामने है। मत भूलिएगा जो उन्होंने नारे दिए थे, अच्छे दिन आएंगे। याद है अच्छे दिन आएंगे के क्या क्या नारे देते थे, किसके अच्छे दिन आए? मैं तो पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, किसके अच्छे दिन आए? अच्छे दिन आए मैं बताता हूँ किसके आए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अच्छे दिन आए। जिसके पास 2 व्हीलर नहीं थी, आज 4-4 4 व्हीलर लेके घूमते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अच्छे दिन आए। और वो 15 लाख रुपए कहाँ गए? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, कितनों ने खाता खुलवाया? 15 लाख का क्या हुआ? 500-600 रुपए से जिसने खाता खोला, आज वो 600 रुपए के 500 रुपए हो गए। बैंक ने 100 रुपए काट लिए और 600 के 500 रुपए हो गए। और आज मोदी जी हमारे किसानों का अपमान कर रहे हैं। 15 लाख की बात छोड़ो, कहते हैं 6,000 रुपए प्रति वर्ष मैं किसानों को दूंगा, हर 4 महीने 2,000 रुपए दूंगा। मैं तो मोदी जी को कहता हूँ, रख लीजिए आप अपने 6,000 रुपए, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार आपको दे देगी, हमारे किसानों को दे देगी। हमें अपने 15 लाख की बात करिए, नौजवानों की बात करिए, ये सब बातें तो आज मोदी जी करते नहीं है। क्या बात कर रहे हैं मोदी जी? राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात आज से मोदी जी करते हैं और पाठ पढ़ाने आए हैं कांग्रेस को राष्ट्रवाद का। मैं तो शिवराज सिंह और मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि एक नाम बता दे, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम बता दे जो इनकी पार्टी में रहा हुआ हो, इनके पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं रहा। और ये पाठ पढ़ा रहे हैं आज राष्ट्रवाद का, किस तरह इनकी ध्यान मोड़ने की राजनीति है। ये बात, ये तस्वीर आप सबके सामने है। कहने के लिए तो इनके लिए बहुत कुछ है,
गंगा साफ करेंगे, गंगा तो साफ हुई नहीं, बैंक साफ कर गए, नियत साफ नहीं है कहते गंगा साफ करेगी, ये सब के लिए आज समय नहीं है। आपसे तो इतना ही कहना चाहता हूं कि तस्वीर अपने सामने रखिएगा, सच्चाई समझिए, सच्चाई को अपनाइए और सच्चाई का साथ दीजिए। आपने हमारे साथी राहुल को विधानसभा चुनाव में साथ दिया, आपने कांग्रेस का साथ दिया, आपने विश्वास मुझ पर रखा, ये विश्वास अधूरा मत छोड़िएगा, अधूरा मत छोड़िएगा। 80 दिन में जैसे मैंने कहा, हमने अपने नियत और नीति का परिचय दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आपने विधानसभा चुनाव में राहुल पर विश्वास रखा, अब लोकसभा के चुनाव में आप राहुल गांधी पर विश्वास रखेंगे। और जिस तरह आज दमोह का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराता है, उसी प्रकार दमोह का झंडा हमारे देश की संसद में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक सबसे बड़ी उपलब्धि है ना, वहाँ पानी की पाउच नहीं मिले क्या? वहाँ नहीं मिले पानी पाउच? नहीं मिले आप लोग? कहाँ से आए आप लोग? मंत्री जी, आपने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ पूरी तरीके से 10 दिन के अंदर कर देंगे, आज आचार संहिता भी लग गई है, 90 दिन भी हो गए, लेकिन किसानों का योजना बना दी गई, तैयारी 2 महीने के अंदर आप देख रहा हो कि लगभग 21 लाख के लोग किसानों के खातों में पैसा पहुंच चुका है, नोटिस मिल चुका है, प्रक्रिया चली रही थी, अगर आचार संहिता एक आध हफ्ते और नहीं लगती तो लगभग 50 लाख किसानों के में पहुंच जाती, लेकिन जैसे ही आचार संहिता खुलेगी, एक एक किसान का जो हमारी हमने जो बनाया है उसकी पात्रता की श्रेणी में जितने आते हैं, लगभग 50 से 55 लाख हर एक किसान का कर्जा माफ 2 लाख तक तो किया जाएगा। अभी आपने मंच से बोला है कि एक परिवार के 4 लोगों का 2-2 लाख रुपए यानी 8 लाख रुपए कर्जा माफ हुआ है, कई लोगों के ऐसे हैं? नहीं, जो आपने अभी बोला है क्या बताएंगे? हर एक का थोड़ी है, मतलब कुछ ऐसे आपने बताया अभी मंच से कि एक परिवार के 4 लोगों का 2-2 लाख रुपए कर्जा माफ हुआ है, मतलब कोई भाई है किसी का, कोई किसान, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का एक ही परिवार, तो अपना पत्नी और बच्चे वो आते हैं, लेकिन अब वैसे संयुक्त जो हमारा परिवार रहता है, भाई चार हैं, चारों के खाते अलग हैं, अलग अलग हैं, तो है तो परिवार एक है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा अगर किसी एक व्यक्ति का 2 लाख रुपए कर्जा माफ होगा तो हम उसको राशि देंगे 2 लाख जी। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा है कि एक भी किसान नहीं है जिसका 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ। पूरे भैया 50 से 55 लाख रुपए किसानों के कर्जे माफ हैं, प्रक्रिया जारी है, इतने लोगों के में पहुंच चुका है, किसी के में 1.5 लाख, किसी के में 1.25 लाख, किसी के में 25, अब ये तो जिसका जितना होगा वही तो माफ किया जाएगा ना। सवर्णों को 10% आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार क्या लागू नहीं कर रही है क्या, ऐसा कुछ कहना है? उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कमेटी उसका शॉर्ट आउट करेंगे और उसमें कार्रवाई होगी।